तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप गूगल पे का बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। सारा प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल पे फॉर बिजनेस का प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। तो अभी इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ये डाउनलोडिंग हो रहा है, तो थोड़ा हम वेट करते हैं। ये तब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक हम इस वीडियो को पॉज करवा देते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप देख रहे हो कि ये एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड हो गया है, तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो अभी इससे हम कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के लिए लोकेशन के लिए अलाउ बोल रहा है, तो अभी हम इसको अलाउ करते हैं। और फ़ोन कॉल्स के लिए भी अलाउ कर रहा है, तो ये कुछ टाइम ले रहा है, तो अभी हम वेट करते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो बिज़नेस सेटअप है, तो हमें यहाँ पे डालने को बोल रहा है। तो ऐड अ न्यू बिज़नेस पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके रजिस्टर बिजनेस नेम डालना है, यहाँ पे आपके जो भी बिजनेस का नाम है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे सोनोनी एंटरप्राइजेस डालते हैं। ओके, सोनू एंटरप्राइज शॉप नेम हम डालते हैं, सेम हम नाम डालते हैं सोनू एंटरप्राइजेस। ओके, बिजनेस टाइप हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ओके, मर्चेंट कैटेगरी हम यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि हम आपका जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको मार्केटिंग सर्विस कर बिजनेस ओनर नेम, तो आपके जो बिजनेस का ओनर नेम है यहाँ पे उसका नाम डालना है, जैसे कि हम अपना नाम डालते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है, अपने जो भी आपका बिजनेस है उसका लोकेशन यहाँ पे डालना है। तो अभी हम यहाँ पे एक शॉप नंबर यहाँ पे पहले बोल रहा है, तो हम शॉप नंबर 2 डालेंगे, एरिया डालेंगे, सिटी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे हमारा पिन कोड डालेंगे, जो भी पिन कोड है। पिन कोड डालने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, कंफर्म मैप पे क्लिक करेंगे। और कंफर्म लोकेशन करेंगे, कंफर्म लोकेशन करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, तो ओटीपी हमें यहाँ पे सबमिट करना रहता है। तो ओटीपी आ गया है, तो अभी हमें यहाँ पे हमारा पैन कार्ड नंबर, अपलोड पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालते हैं। ओके, पैन कार्ड का फोटो डालना है यहाँ पे, और आपको GSTIN का एक, अगर आपके पास GST है तो आप उसका नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, अगर नहीं है तो ये नहीं भी डाला तो भी चलेगा। तो भी हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड का फोटो डालते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा बैंक डिटेल पूछता है, तो हम यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। ओके, IFSC कोड डालेंगे। ओके, और फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करने के बाद ये हमारा लोकेशन लेगा ब्रांच का। ओके, अकाउंट वेरीफाइड हो गया है और हमारे अकाउंट पे इन्होंने 1 रुपीस क्रेडिट किए हैं। तो अभी हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये समरी आ रहा है, जो भी हमारा बिजनेस का नाम वगैरह हमने एड्रेस वगैरह डाला है ये यहाँ पे शो हो जाता है। तो फिर हम फिर से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद तो आप देख सकते हो ये जो हमारा अकाउंट है क्रिएट हो चुका है।
तो जो हमारा अकाउंट है अभी रिव्यू में है, अंडर रिव्यू में है, लगभग 1 या 2 दिन लगते हैं बिजनेस को रिव्यू करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो अभी टाइम आ रहा था 102 वर्किंग डेज, तो अभी ये वेरीफाइड भी हो गया है, तो हमें क्रेच कार्ड मिला है यहाँ पे। ओके, तो अभी हम फिर से अर्न रिवॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अनलॉक कंप्लीटिंग वेरिफिकेशन। ओके, तो दोस्तों देख रहे हो आप कि ये अभी एजेंट के लिए ट्राई कर रहा है, बट अभी ये नो एजेंट आर अवेलेबल आ रहा है। तो आप फिर से कॉल कर सकते हो या शेड्यूल विजिट कर सकते हो, जो भी आपके लिए सुटेबल होगा वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो अभी हम फिर से ट्राई करेंगे। तो आपको ऐसे ही आपका जो बिजनेस है वेरीफाई करना है, जैसे कि आपको फिर से एक बार बताता हूँ, इंक्रीज योर ट्रांजेक्शन लिमिट एंड वेरीफाई योर बिजनेस विथ 1 या 2 मिनट वीडियो कॉल। वीडियो कॉल से आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करने होंगे, सॉरी दिखाने होंगे, जैसे कि आपको पैन कार्ड दिखाना होगा, और यहाँ पे थिंक यूर नीड आपको क्या दिखाना है, आपका जो डिवाइस है कनेक्ट होना चाहिए वाईफाई से या 3G या 4G नेटवर्क से, एंड आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो है ओरिजिनल पैन कार्ड रेडी रखे, एंड आपका जो लोकेशन भी वेरीफाइड होगा। तो आपको फिर से एक बार आई एग्री पे क्लिक करेंगे, कनेक्टिंग वीडियो कॉल करेंगे, तो आप फिर से एक बार हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे एजेंट अवेलेबल है या नहीं, तो देखते हैं अवेलेबल होगा या नहीं। तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो हम कुछ देर बाद ट्राई करेंगे। तो आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हो। और एंड दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए हर रोज लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।